আমার কাছে নাই খবু ভাজা বাদাম, আমার কাছে পাবে শুধু কাঁচা। জয় শ্রী রাম। আপনি कभी ना कभी तो रामलीला का आनंद लिया हो, बचपन में, जवानी में या अब भी किसी न किसी माध्यम से आप रामलीला देखते हैं। असल में रामलीला का असली आनंद रामलीला मैदान में ही आता है, और आए भी क्यों ना। रामलीला देखने के साथ साथ मूंगफली आदि खाने का शौक किसे नहीं। ऐसा समय है लोग रामलीला देखने तो आते ही हैं, साथ में मूंगफली खाने का आनंद भी लेते हैं। और ऐसे में जहां मूंगफली के अंदर जो विटामिन प्रोटीन पाए जाते हैं उनकी मात्रा भी शरीर में सही हो जाती है, और आनंद भी रामलीला का खूब आता है। कहा जाए जिसने रामलीला देखी और वहाँ मूंगफली गच्चक महाराजा रावण आदि नहीं खाए तो रामलीला देखने का अधूरा रह जाता है। तो आइए आपको भी रामलीला में ऐसे ही दृश्यों से रूबरू करवाए। अगर आपने कभी जसनपुर की रामलीला देखी हो तो इस शख्स को आप हमेशा याद रखते हो, ज्ञान जी मूंगफली वाले। हाँ जी, ज्ञान जी मूंगफली वाले और ज्ञान जी कुल्फी वाले। आइए इनसे मिलिए। जाने पहचाने ज्ञान जी, कितने साल हो गए चाचा जी आपको? 60 साल हो गए जी। 60 साल रामलीला में हर साल ही आप मूंगफली की रेडी लगाते हैं? हर साल ही लाने हो तुसी इत्थे? 60 साल से रेडी लगा रहे हैं, और जितने भी लोग देखते होंगे शायद वो जिनकी उम्र काफ़ी हो गई होगी, जिन्होंने रामलीला देखी होगी वो आज तक ज्ञानचंद जी की मूंगफली को नहीं भूले होंगे। कैसे लगता है ये आपको मूंगफली की इतने वर्षों से करते हुए रामलीला में? बोलो रेडी में 60 साल बहुत प्रक्रिया। कौन कौन रामलीला करता था जब से आप कर रहे हैं? हाँ जी, कौन कौन करता हूँ सी रामलीला? उदो दुलारी लाल गिद्दड़ सी द्वारका, अपने छिंदा जी सी शर्मा, ये पुराने कलाकार है जी। पुराने कलाकार आए उदो तो लगे हो तुसी? हाँ जी, उदो तो ही लगे हो। हाँ जी, हाँ जी। तो चाहे बचपन में आप गसनपुर के स्कूल में पढ़े हो चाहे रामलीला में, अगर ज्ञान जी की मूंगफली का स्वाद नहीं लिया तो शायद आपका बचपन अधूरा रहा होगा। आज सबसे रूबरू हो रहे हैं अपने ज्ञान जी, और यहाँ मूंगफली और ये मोठ आइए आपको रामलीला मैदान की भी सैर कराते हैं। जय श्री राम। जहाँ बड़ी संख्या में इन रेडियो पर चाहे मूंगफली की गिरी हो, चाहे आइसक्रीम, लोग पूरा मजा लेते हैं। और इसके साथ ही रामलीला के ये 14-15 दिनों में और ठीक चल रहा है, काम रोजगार भी मिलता है। और आपने अगर आनंद नहीं लिया तो कभी भी किसी के साथ आप यहाँ आकर रामलीला का मूंगफलियों के साथ, आइसक्रीम के साथ और भी चीज़ों के साथ आनंद ले सकते हैं। आइए आपको रामलीला ग्राउंड की एक सैर कराते हैं। और ठीक चल रहा है? जय सिया राम। ज्ञान जी के बाद पुराने लोगों का जाना पहचाना चेहरा वो भी आपको रूबरू कराएंगे। अभी आगे देखते जाइए और उन्हें देखकर भी आपको अपने बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी। यहाँ स्वर्गीय श्री राम निवास जी बंसल के परिवार की तरफ से हर साल
दर्शकों के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, कर रहे हो पानी की सेवा, सराहनीय कार्य। यहाँ छोटे बच्चे भी इस परिवार के, जय श्री राम, विजय जी सभी यहाँ सेवा करते हैं, जय श्री राम, और प्रभु की कृपा इन पर बनी रहे। अब आपको ऐसे सबसे भी मिलाएंगे जिनको देखकर आपको पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। देवी परमेश्वर का नाम लो, नाम ठीक चला है। यह दास जी के बेटे जिन्होंने 30-40 साल पहले भी रामलीला देखी होगी वो दास जी को जानते हैं, और अभी उनके बेटे से मिला रहे हैं और फिर दास जी से। जय श्री राम दास जी, ये पुराना चेहरा आपने देखा होगा जिनकी रेडी पर पुराने गीत आज भी बजते हैं। कितना टाइम होगा तुम्हें रामलीला? 40 साल रामलीला के अंदर। तो पहले आइसक्रीम भी अभी बनाते थे और दास की आइसक्रीम मशहूर है दूर दूर तक। आजकल की बनाई जाने आजकल कुलचे कुलचे बन रहे हैं आजकल, और आइसक्रीम भी है। ये आइसक्रीम और बढ़िया चल रहा है सब। जय सिया राम। तो रामलीला के साथ पूरे मैदान का हमारे आनंद हो गया। प्रभु की कृपा आपके परिवार आप पर बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, यही महावीर ड्रामेटिक क्लब आप कामना करता है। जय सिया राम।